हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट में आपको एक होमवर्क देके गया था कि लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको इसको बताया था सुपर फैक्टोरियल को, मैंने बोला था हाइपर फैक्टोरियल के बारे में जरूर आप जानकारी लीजिए, ये क्या होता है, ये कैसा होता है, इसको करते कैसे, इसका अप्रोच क्या होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच एन से। जब आपको एन नंबर का यानी एन जो भी डिजिट है इसका आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, जो भी नंबर है एन, जैसे कि एच फोर यानी कि फोर का हमें हाइपर फैक्टोरियल निकालना है। अगर सुपर फैक्टोरियल की बात की जाए तो डॉलर साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका था। मैं आपको डबल फैक्टोरियल भी बता चुका हूं और ये है टाइम आपका किसका जानने का, हाइपर फैक्टोरियल। तो कभी भी एन नंबर होता है उसका हाइपर फैक्टोरियल आपको निकालना होता है, तो बहुत ही सिंपल, एन के पावर एन, एन के पावर एन माइनस वन, ऐसे चलता रहता है। यहाँ पे एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से मतलब बता देते हैं, n माइनस वन के पावर n माइनस वन होगा और साथ ही साथ n माइनस टू के पावर में n माइनस टू होगा। सिमिलरली ये चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, 3 के पावर में 3 हो जाएगा, 2 के पावर में 2 हो जाएगा, 1 के पावर 1। तो ये रहा आपका हाइपर फैक्टोरियल का तरीका सॉल्व करने का। एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर ले लेते हैं, हम लोग 4 ही ले लेते हैं, 4 में थोड़ा सा बार बार इसी नंबर को यूज करना सही है ना। देखिए इसका हो जाएगा 4 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3, 2 के पावर 2, 1 के पावर 1। अगर मैं पूछूं हाइपर फैक्टोरियल ऑफ 5 ले लीजिए, तो 5 का हो जाएगा 5 के पावर में 5, 4 के पावर में 4, 3 के पावर में 3, 2 के पावर में 2 और 1 के पावर में 1। तो ये है आपका नोटेशन या कह दिए एक्सपेंशन किसका, हाइपर फैक्टोरियल का। तो कितने बच्चों को ये बात पता थी हाइपर फैक्टोरियल को करने की और कितने बच्चों को नहीं पता थी, ये वीडियो जान के आपको कैसा लगा, ये इंफॉर्मेशन जान के, ये कॉन्सेप्ट जान के, आप सभी लोग कमेंट करिए, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पर देके जा रहा हूं, आप सभी लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड पे चल रहा है क्वेश्चन, मतलब आजकल बोले तो एक साल पहले की, अब तो खैर जनरली सभी बच्चे जान गए, लेकिन एक साल डेढ़ साल पहले बहुत कम लोग इस क्वेश्चन को कर पाते थे, कह दीजिए फंसते थे, टाइम लेते थे, क्योंकि बहुत इजी वे अब इसका आ गया है। तो एक होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे के जाऊंगा। इसका अगला वीडियो आपका इसी पे आएगा कि आई के पावर में आई क्या होता है, इसको कैसे करते, सबसे शॉर्टकट मेथड क्या है इसको करने का, सबसे शॉर्टकट मीन्स कि एक सेकेंड से दो सेकेंड में इसका आंसर आ जाए, चाहे ये हो चाहे आई के पावर में आईएथ रूट हो यानी वन बाई आई हो, इसको एक से दो सेकेंड के अंदर कैसे करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को, या फिर आई के पावर में, आई के पावर में आई क्या होगा इसको कैसे करेंगे, मतलब इन सभी प्रश्नों को, क्वेश्चंस को एक सेकेंड में करने का, साथ ही साथ आई के कोई फ्रैक्शनल पावर यानी कि मान लीजिए 3/2 पूछ ले, क्यूब रूट ऑफ आई पूछ लिया, क्यूब रूट ऑफ आई पूछ लिया, मतलब जितने भी फ्रैक्शनल पावर हो सकते हैं इन पे क्या होते हैं, इन सभी को करने का विद इन अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड आपको एक मेथड बताऊंगा, आपको तुरंत लगेंगे सारे क्वेश्चन। इस पे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के आई के साथ क्या क्या हम लोग खेल खेल सकते हैं और कैसे इसका मजाक बना सकते हैं। ओके, अगर आपको चाहिए इसका वीडियो तो आप कमेंट करेंगे तब इसका वीडियो आपके पास आएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन, कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, और जितने भी जेई एस्पिरेंट है आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि क्या आपको जेई के क्वेश्चंस का शॉर्टकट सॉल्यूशन चाहिए, या फिर अगले एग्जाम में क्या कोई शॉर्टकट अप्रोच हो सकता है जिसपे एग्जाम के पेपर एटलीस्ट इतना अचीव कर सके कि आपका रैंक वगैरह आ जाए, तो जरूर इस पर वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो कमेंट के नीचे डिमांड करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।